All right, so let's start with today's session. If you remember, हमने last session में define किया था what is one astronomical unit और हमने define किया था what is one light year. तो just for a quick revision, astronomical unit हम क्यों use करते हैं? क्योंकि astronomical unit इसलिए use किया जाता है because distance to planets हमारे ही solar system में जो planets है starting from you know Mercury, Venus, Earth, Mars, then Jupiter, Saturn, ये जो distances है ये kilometer या meter में measure नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम एक unit define कर लेते हैं, that is one astronomical unit. वो होता है average distance of Earth and Sun, क्योंकि आपको पता है कि Earth performs kind of a elliptical motion around Sun, तो ये distance जब star, जब planet Earth सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन, और ये डिस्टेंस हम बोल देंगे आरपी. और जब हमारा अर्थ सबसे दूर होगा उसके ऑर्बिट में उसको हम बोलते हैं एफहेलियन आरए. इसका जो एवरेज मिलेगा आपको उसको हम लोग बोलेंगे वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. So one astronomical unit is average distance between Earth and Sun. So distance to planets is measured in astronomical unit. And as I told you in the last session, one astronomical unit is nothing but 1.496 into 10 power 11 meter. हम इसको approximately 1.5 लिख सकते हैं 10 power 11 meter. या मतलब ये है 1.5 into 10 power 8. मैं क्या कर रहा हूँ 10 पावर 11 को 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 3 लिख रहा हूँ. आपको पता है 10 पावर 3 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर, दिस मच इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज रफली 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर. फिर हमने देखा था वन लाइट ईयर. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप हर एक यूनिट हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते. अब मुझे अगर नियरेस्ट स्टार फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटियोरी अगर उसका डिस्टेंस देखना होगा तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा पड़ जाता है वहां पे. तो वी डिफाइन इवन बिगर यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर. बहुत इंटरेस्टिंग है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज वन लाइट ईयर. तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम बोलेंगे वन लाइट ईयर. एंड इफ यू रिमेम्बर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड है. अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, करेक्ट, नॉट डिस्टेंस, सॉरी, अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिलता है. Because speed, you know, is meter per second into time is in second, second, second cancel. So distance milega. So if I multiply speed of light, right, by time, मैंने कैसे define किया था ये? हमें define कैसे किया था? One light year is distance traveled by light in one year. So एक साल में कितने दिन? 365. Into हर एक दिन में कितने hours? 24. Into हर एक घंटे में कितने मिनट्स? 60. इनटू हर एक मिनट में कितने सेकंड्स? 60. तो ये हो गया टाइम इन वन ईयर. सो नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन ईयर, दिस मेनी नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन ईयर होता है मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, राइट. सो दिस विल गिव यू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर, दैट इज इक्वल टू 9.46 × 10⁵ मीटर. डिफरेंस इज क्लियर. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था रफली 10⁻¹, यहाँ पे आ रहा है 10⁵ या 16 के आसपास, राइट. अब यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है, तो लाइट ईयर भी छोटा है उसके आगे. तो नाउ वी विल डिफाइन अनदर यूनिट विच इज कॉल्ड एज वन पार्सेक. और ये जो वन पार्सेक है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन पैरेलेक्स. हमने सीखा ना पैरेलेक्स मेथड, तो पैरेलेक्स मेथड पे बेस्ड है ये यूनिट पार्सेक. बाय द वे, नो वन
will ask you in exam, define one astronomical unit, define one light year, define one parsec. ये extra मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमको कौन सा यूनिट कहाँ यूज करना है, उसका रेलेवेंस क्या है, हमको पता होना चाहिए ना. क्यों मैं घर के अंदर मीटर में मेजर करूँ, मेरे कॉलोनी में डिस्टेंस मीटर में मेजर करूँ, सिटी में किलोमीटर, सिटी टू सिटी किलोमीटर, फिर सन टू अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर पार सोलर सिस्टम टू अनदर स्टार लाइट ईयर, उससे ज्यादा दूर जाना है तो पार्सेक. इट इज जस्ट बिकॉज जो यूनिट जहाँ कन्वीनियंट है वो यूनिट वहीं यूज होगा. ओके, क्या आप आपके हेयर का थिकनेस किलोमीटर में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. यू कैनॉट से आई कैनॉट से आई हैव अ वायर, सी आई हैव अ वायर, मुझे इसका थिकनेस मेजर करना है तो मैं क्या बोलूंगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर, मैं बोलूंगा किलोमीटर, नहीं बोल सकता मैं किलोमीटर, मैं बोल सकता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आई कैनॉट से दैट. तो इसलिए अलग अलग यूनिट्स पता होने चाहिए, और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू डिस्टेंसेस. बाकी तो ठीक है, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए टाइम क्या, सेकेंड, मिनट्स, आर, मैक्सिमम ईयर, मैक्सिमम डिकेड, सेंचुरी, उसके ऊपर क्या लगने वाला है अपने को. लेकिन डिस्टेंसेस यू हैव टू मेजर फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज. अब पार्सेक मतलब क्या, तो देखो वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. क्या करते हैं हम लोग, दिस इज सन सिटिंग एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, देन यू हैव अर्थ समवेयर ओवर हियर इज अर्थ. आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस हमने वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला है. ओके, और दिस डिस्टेंस इज वन AU, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज और ली थी, जस्ट अ मिनट, एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और ली थी, वो था कन्वर्जन ऑफ रेडियंस टू डिग्रीज, डिग्रीज टू रेडियन, और हमने डिफाइन किया था व्हाट इज वन आर्क मिनट, और हमने डिफाइन किया था व्हाट इज वन आर्क सेकेंड. तो पार्सेक डिफाइन करने से पहले दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट आई रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स फॉर यू. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज तो हम एक ही टॉपिक पे अटक के रह जाएंगे. सो इफ यू रिमेंबर, एंगल from 11th standard onwards will be mostly measured in radians and not degrees. Radian mein measure hoga. Pi radian is 180 degree. So 1 degree is pi by 180 radian. Pi is 3.14 upon 180. Ye aapka aata hai 1.745 × 10⁻²⁺ radian. So 1 degree happens to be 1.745 × 10⁻²⁺ radian. Okay, correct. Now, जब हम parallax method सीख रहे थे, तो parallax method में what we used to do is हमारे पास दूर के डिस्टेंसेस को मेजर करना था. एज आई टोल्ड यू, ये अर्थ है, हमें प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो हम लोग ये एंगल मेजर करते हैं जिसको हम लोग पैरेलेक्स एंगल बोल रहे थे. अब प्रॉब्लम ये हो गया था कि ये पैरेलेक्स एंगल बहुत छोटा बनता है, इट इज नॉट इवन 1 degree. तो हम 1 degree के 60 पार्ट्स कर देते हैं और हर एक पार्ट को बोलते हैं आर्क मिनट. सो 1 degree इज 60 आर्क मिनट. इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा 1 arc minute is 1/60 of a degree. So 1 arc minute 1/60 of a degree, but 1 degree is 1.745 × 10⁻²² radian upon 60. So 1 arc minute in radians was something 2.91 × 10⁻⁴ radian. अब आर्क मिनट इतना एंगल कोई भी प्लैनेट अर्थ के दो पॉइंट पे बना सकता है अगर वो प्लैनेट हमारे ही सोलर सिस्टम में हो तो.
तो ये जो एंगल्स हम मेजर करते हैं, एंगल मेड बाय दैट प्लैनेट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ, पैरेलैक्स एंगल, ये आपको आर्क मिनट में मिलता है, फ्यू आर्क मिनट्स, फाइन. बट एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, वी हैव वेंट इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, कि अब अगर हमें हमारे सोलर सिस्टम का डिस्टेंस नहीं मेजर करना, हमको किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये आर्क मिनट भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जो एंगल वो स्टार इतना दूर है, जो एंगल बनाएगा वो बहुत छोटा होता है. तो हमने एक आर्क मिनट को 60 आर्क सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया था. वी सेड वन आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड्स. तो वन आर्क सेकेंड इज 1/60 ऑफ आर्क मिनट, बट वन आर्क मिनट इज 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन अपॉन 60. तो जब इसको डिवाइड कर लोगे तो 4.84 × 10⁻⁶ रेडियन के आसपास मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज आर्क सेकेंड, वन आर्क सेकेंड. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए रिविजन इज अ मस्ट. यू ऑलरेडी हैव लेक्चर्स अपलोडेड ऑन द सिस्टम, सो इट इज मस्ट फॉर यू टू गो थ्रू दिस. ओके, द इशू इज स्टार्स बहुत दूर है, वो बहुत छोटा एंगल बनाते हैं, इसलिए छोटा एंगल डिफाइन करना पड़ा था. इसका कनेक्शन है विथ डेफिनेशन ऑफ वन पार्सेक. मान लो दिस इज अर्थ, दिस इज सन. मान लो मैं यहां पे एक स्टार कंसिडर कर रहा हूं, सम स्टार एस वन, सम स्टार लेट अस से एस, राइट, या एस वन जो भी बोलना हो, डजंट मैटर रियली, सम स्टार. अभी ये जो स्टार है ये 1 AU डिस्टेंस पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा. सो दिस स्टार विल मेक सम एंगल, पैरेलैक्स एंगल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 AU, सम एंगल, राइट. मान लो मैंने एक स्टार एस वन ले लिया, इसने यहां पे पैरेलैक्स एंगल बनाया, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल 15 आर्क सेकेंड, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया. फिर मैं दूसरा स्टार ले रहा हूं एस टू, मान लो ये जो दूसरा स्टार है उसने 1 astronomical डिस्टेंस के लिए एंगल बनाया, तो जितना स्टार दूर होते जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा. मान लो इसने बनाया 10 आर्क सेकेंड, करेक्ट. नाउ लेट अस से मैंने एक तीसरा स्टार ले लिया जो यहां पे कहीं पे है एस थ्री. इस तीसरे स्टार ने 1 AU डिस्टेंस के लिए एक एंगल सबटेंड किया है, ओके. लेट्स से ये जो एंगल स्टार एस थ्री ने बनाया है, दिस एंगल इज 1 arc second, एग्जैक्टली 1 arc second. तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम आर सोलार सिस्टम, द डिस्टेंस एट विच द पैरेलैक्स एंगल बिकम्स 1 arc second फॉर arc length of 1 astronomical unit, this distance is called as 1 parsec, 1 PC. थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन होता ही है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से वापस बताऊंगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस चीज में, एंड बाई द वे एज आई टोल्ड यू, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस एनी वे, सिर्फ पता होना चाहिए कि डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग. The idea was this, bhul jao sab kuch. Let's come to real life. Real life mein, maan lo, aapke paas ek object hai. Na, ek bahut badi building hai. Ground pe ek bahut badi building hai. This is a big, big tower. Na, to bahut badi building hai.
राइट, आप यहां से देख रहे थे उस बिल्डिंग को, तो उस बिल्डिंग ने आप पे एंगल बनाया, दैट इज स्मॉल एंगल थीटा 1। मान लो आपने आपका पोजीशन चेंज कर लिया और आप अब बिल्डिंग के पास में गए, तो एंगल बनेगा थीटा 2। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 ऑब्वियसली। और आप जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जा रहे हो, बिल्डिंग का साइज भी बढ़ता जा रहा है, साइज नहीं बढ़ता जा रहा है, वो एंगल बढ़ता है, इसके लिए आपको साइज बड़ा दिखता है, नहीं तो आप बोलोगे ऐसा कैसा, पहले 100 फ्लोर थे अभी 200 कहां से हो गया, वैसा नहीं होता है वो। सो इफ यू गो स्टिल क्लोजर, जितना पास जाओगे, एज यू सी यू नोटिस हियर, जितना पास जाओगे एंगल बढ़ते जाएगा, ओके एंगल बढ़ता जाएगा। उल्टा सोचो, जितना दूर जाओगे उतना एंगल उस बिल्डिंग ने आप पे जितना बनाया है, आपके आंखों पे जितना बनाया है, कम होता जाएगा। पास में जाओगे एंगल बढ़ेगा, दूर आओगे एंगल छोटा होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। इस एंगल की कुछ तो वैल्यू होगी ना, होगी कुछ वैल्यू, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ वैल्यू तो होगी ना एंगल की। गुड, देन एंगल जो कुछ भी बना, ये जो बिल्डिंग था ए बी, इसका लेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं। फिर हमने क्या बोला, हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो ए बी बिल्डिंग है, इसने एंगल बनाया, तो ए बी डिस्टेंस तो फिक्स था, वो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको ज्यादा इजीली समझेगा कि 1 पार्सेक का मतलब क्या है। देखो ऐसा है कि 1 पार्सेक के लिए हम यूज करते हैं AU का डेफिनेशन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन। हमको ये पता है, व्हाट डू वी नो इज सन और अर्थ, इसका जो डिस्टेंस है, दिस इज अर्थ, दिस इज सन ओवर हियर, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो फिक्स है, दिस डिस्टेंस इज 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, करेक्ट। अब यहां पे मैं एक स्टार ले लेता हूं, लेट अस से S1, या फिर एक पॉइंट ले लेता हूं, एनी पॉइंट, आई डोंट केयर, सम पॉइंट P या सम स्टार S1। अब सन टू अर्थ डिस्टेंस क्या चेंज होगा? नहीं होगा। 1 AU का डेफिनेशन है वो है, जैसे बिल्डिंग का हाइट चेंज नहीं हो रहा था वैसे ही है। सिर्फ ऐसा है कि ये पी पॉइंट कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना बनने वाला है। ऑब्वियसली अगर ये पी पॉइंट आपने बहुत दूर लेके रखा है तो एंगल छोटा बनेगा, जितना दूर आप जा रहे हो उतना ही एंगल छोटा बनेगा। The farther you go from solar system, the smaller will the angle formed. So, ये जो angle जिस distance के लिए 1 arc second हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने बताया था, पहले angle बड़ा है, पहले 15 arc second लिया था, फिर 10 हुआ था, फिर 5 हुआ होगा, फिर 4 हुआ होगा, finally एक point ऐसा आया जहां पे ये एंगल बन गया 1 arc second। तो ये एंगल 1 arc second जिस डिस्टेंस के लिए बना है, द डिस्टेंस एट विच 1 astronomical unit subtends an angle of 1 arc second इज डिफाइंड एज 1 parsec। तो ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? PS डिस्टेंस, इसको बोल देंगे 1 arc second, सॉरी 1 parsec। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 1 parsec। तो 1 astronomical unit ने जिस डिस्टेंस पे 1 arc second का एंगल बनाया है, उस डिस्टेंस को हम बोल लेंगे 1 parsec। इजी, राइट। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, एंड डोंट वरी, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम
इन 11th और 12th, तो कोई नहीं पूछता है। ये सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी के लिए होना चाहिए। फिजिक्स में जब तक इंटरेस्ट नहीं जनरेट करोगे तो फिजिक्स पढ़ने में इच्छा नहीं होगी। तो आपके इंटरेस्ट के लिए कि हाउ डू यू मेजर डिस्टेंसेस, हाउ डू यू डू दैट, ओके, घर पे बैठे बैठे, अर्थ पे बैठे बैठे आप बता रहे हो ये स्टार इतना दूर, वो स्टार उतना दूर, कैसे बताया ये, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। सो बाय द वे, सो लेट अस डिफाइन वन पार्सेक। सो वन पार्सेक पीसी इज द डिस्टेंस एट विच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन AU, subtends an angle of one arc second, one second of arc। और इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो one parsec ये मीटर में आता है आपका 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर, और लाइट ईयर में आता है 3.26 लाइट ईयर। तो 3.26 लाइट ईयर, तो देखो वापस से कंपेयर करो। इफ यू कैन कंपेयर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रफली 10⁻¹⁶ मीटर था, वन लाइट ईयर रफली 10⁻¹⁵ मीटर था, और वन पार्सेक या 10⁻¹⁶ मीटर आया। अब वन पार्सेक भी बहुत छोटा पड़ जाता है, तो हम वन मेगा पार्सेक की बात करते हैं, किलो पार्सेक की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट वन किलो पार्सेक मतलब 1 × 10³, किलो मतलब 10³, 10⁻¹⁶ मतलब 10⁻¹⁹ मीटर आ जाता है वो डिस्टेंस। फिर वन मेगा पार्सेक की भी बात होती है, मेगा मतलब मिलियन मतलब 10⁻⁶, और पार्सेक मतलब 10⁻¹⁶ मीटर, तो 10⁻², ये भी यूज होता है। फिर गीगा पार्सेक भी यूज होता है, क्योंकि मेगा पार्सेक भी बहुत जगह पे छोटा पड़ जाता है, जितना दूर आप जा रहे हो यूनिवर्स में उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। सो दिस इज हाउ यू मेजर, सो राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। ओके, सो लेट अस डू एग्जाम्पल ऑन दिस नाउ, अभी कर ही रहे हैं तो लेट्स डू एग्जांपल्स। सो इट्स ऑलवेज गुड दैट एक टॉपिक सीखा उस पे ही हमने न्यूमेरिकल कर लिया तो और अच्छा हो जाएगा। सो एग्जांपल 1.2, बाय द वे हम यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल, ये टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स है आपके, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल, एमसीक्यू सभी करते हैं कंप्लीट। वी डू नॉट लीव एनीथिंग, टोटल जो जो है सब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। एग्जाम्पल 1.2, अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ इज 5.5 लाइट ईयर, हाउ मच पैरेलेक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड वेन वीव फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो ऐसा है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ का एक पॉइंट, और 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पे आएगा, और वो जो स्टार है वो समवेयर ओवर हियर है। आपको पता है कि टू मेजर डिस्टेंस ऑफ स्टार हम जब पैरेलैक्स मेजर करते हैं तो हम आज एक रीडिंग लेंगे, 6 महीने के बाद एक रीडिंग लेंगे, और ये जो एंगल यहाँ बनता है, सो आई विल जस्ट शो दैट एंगल ओवर हियर, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, दिस एंगल इज पैरेलैक्स एंगल, और ये है ऑर्बिट ऑफ अर्थ, रफली सर्कुलर मान लिया, लेकिन सर्कुलर होता नहीं है, पर हम डायग्राम ड्रॉ करते वक्त मान लेते हैं। हमको पता है सन टू अर्थ, ये अर्थ है, जब अर्थ ए पोजिशन पे था तो 1 AU डिस्टेंस, 6 महीने के बाद जब बी पे आएगा अर्थ तभी भी 1 AU डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ए बी विल बी 1+1, 2 AU, राइट, करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस कैपिटल डी है, डिस्टेंस टू स्टार, कितना बोला है, ये बोला है 5.5 लाइट ईयर, LY, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन क्वांटिटी।
आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आपको बोला है कि हाउ मच एंगल थीटा इन पार्सेक, तो कितना एंगल बनेगा अगर एक स्टार का डिस्टेंस 5.5 लाइट ईयर दूर है। दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद रखना ही क्या है आपको, तो पता ही है ये, दिस इज इजी, स्कूल में सीखा था हमने, ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ ए बी, इट मेक्स एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज डिस्टेंस डी। आपको पता है हमने सीखा था आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू डी इन टू थीटा, और पैरेलेक्स मेथड में हम बहुत बार कर चुके हैं ये, तो यू शुड नो दैट यहाँ पे ये आर्क लेंथ ए बी हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। क्यों मानते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन ही होता है और वो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ सर्कल पे, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो इन एनी केस डिस्टेंस ए बी, आर्क लेंथ ए बी इज डी इंटू थीटा, तो हमको तो हमारा इंटरेस्ट तो थीटा में है, तो थीटा इज ए बी बाई डी, बट ए बी डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ नाउ एंड आफ्टर सिक्स मंथ, 1 AU प्लस 1 AU 2 AU, एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम अर्थ दैट इज 5.5 LY, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये याद रखना कि AU ये SI यूनिट नहीं है, लाइट ईयर ये SI यूनिट नहीं है, हमको एंगल जब SI यूनिट में चाहिए, किसी हमको तो आर्क सेकेंड में चाहिए, तो सबसे पहले AU को आप लिखो, इसमें लिखोगे मीटर में, तो 2 into what is 1 AU in meter, कब से मैं बता रहा हूँ, 1.496 × 10^11 meter, what is light year in meter, 9.46 × 10^15 meter, हमने आज ही देखा ये, okay, तो ये सॉल्व करने के बाद ये मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर मीटर गया, मतलब लेंथ के यूनिट्स कैंसिल हो गए, एंगल तो वैसे भी डायमेंशन लेस होता है, वेल डायमेंशन क्या होते हैं वो हम सीखेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट, होपफुली टाइम मिला तो आज डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। नाउ ये आप सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करना है, देर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस, वन इज बाय अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए आपको नंबर पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, राइट। दूसरा लॉग टेबल, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होते हैं, ओके, तो लॉग टेबल कैसे यूज करना है मैं अपकमिंग सेशंस में बताऊंगा, प्रोबेबली अपकमिंग संडे आई एम गोइंग टू कीप स्पेशल सेशन ऑन हाउ टू यूज लॉग टेबल, अंटिल देन यू ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ, तब तक कोशिश करो, ऑलराइट। बट मैंने करके रखे हैं कैलकुलेशंस, तो दिस हैपेंस टू बी 5.75 × 10^-6 रेडियंस, राइट, ये रेडियन में है, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशंस किए हमने, हैव डन नथिंग बट कैलकुलेशंस, मैंने सिर्फ कैलकुलेशंस ही किए हैं यहाँ पे, ओके, तो ये रेडियन में है, आपको आंसर किसमें पूछा है, आर्क सेकेंड में, इसमें आर्क सेकेंड में, ये रेडियन में है। अभी थोड़ा टाइम पहले, आज ही और पिछले सेशन में भी मैंने बताया था 1 arc second is 4.847 × 10^-6 रेडियन, तो 1 radian is 1/4.847 × 10^-6 arc second। हमको रेडियन से अगर आर्क सेकेंड में जाना है तो इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 arc second इज 4.847 × 10^-6 रेडियन। ये ऐसा ही है जैसे 1 meter इज 100 centimeter, तो 1 centimeter कितना, 1/100 meter, मतलब कितना, 10^-2 meter,
वही तो कर रहे हैं हम लोग फिर। 1 arc second अगर 4.8 × 10⁻⁶ है तो 1 radian कितना हो गया, 1/4.8 × 10⁻⁶। जैसे आप बोलते हो 1 kg is 1000 g 10³ g, तो 1 g will be 1/10³ kg, मतलब 10⁻³ kg। तो वैसा ही कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यू शुड नो कि 1 radian से अगर आपको आर्क सेकंड में जाना है तो आपको 4.847 × 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर थीटा विल बी 5.75 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4.847 × 10⁻⁶। ये आ जाएगा आपका आर्क सेकंड में, सेकंड ऑफ आर्क में। ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल। अभी कोई भी बता देगा कि 5.75 डिवाइडेड बाय 4.8, ऊपर न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ओवरऑल नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1.186 आर्क सेकंड। ओके, तो अगर हमारे पास एक स्टार है जो 5.5 लाइट ईयर दूर है तो वो स्टार 1.186 आर्क सेकंड का एंगल बनाएगा। कहां पे बनाएगा? अर्थ के दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे। आज एक मेजरमेंट लो, 6 महीने के बाद एक मेजरमेंट लो, एंगल कितना बना? 1 degree तो नहीं, 1 arc minute भी नहीं, 1 arc second। 1 arc second, how much is 1 arc second in degrees? I'll tell you, 1 degree is 1 arc, आपको पता ना, 1 degree is 60 arc minute, बराबर, करेक्ट, और 1 minute में 60 arc second, तो that is 60 × 60 arc second, तो 1 arc second is 1/3600 degrees, इतना छोटा एंगल, 1 degree के भी 3600 parts, you are dividing 1 degree by 3600, 1/2 लिखते हो, मतलब क्या करते हो, 1 कैडबरी लाई, हम 2 दोस्त थे, आधा आधा करके खा गए, that is half। 1 डेरी मिल्क लाया, 4 दोस्त थे, तो हर एक को 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, मतलब किसी भी एक चीज के 8 equal टुकड़े करने, 1/16, मतलब किसी भी एक चीज के 16 equal pieces करने, तो 1/3600 का मतलब क्या होगा, 1 degree के 3600 pieces, इतना छोटा एंगल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है, स्टार जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा बनेगा। अभी तो 5.5 लाइट ईयर पे ही था, जस्ट 5.5 लाइट ईयर्स, जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं ना, ये 5.5 लाइट ईयर्स इज नथिंग। ओके, नियरेस्ट स्टार हमसे सबसे पास वाला स्टार 4.3 लाइट ईयर्स पे, रफली, मतलब जो सबसे पास में स्टार है वही लगभग 1.3 या 1.4 आर्क सेकंड का एंगल बनाएगा, और दूर वाले तो क्या ही बनाएंगे फिर, वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम पार्सेक डिफाइन किया था हमने। गुड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो ऑल दिस। आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से जब तक समझेगा नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। तो टू कैलकुलेट यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। गुड, लेट्स मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁸ meters। इफ यू रिमेंबर, आई वाज टेलिंग यू दैट मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 375,000 km, समथिंग लाइक दैट। तो वही है, तो मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 × 10⁸ meters फ्रॉम अर्थ। ओके, इफ वीव्ड फ्रॉम 2 diametrically अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, द एंगल सबटेंडेड एट द मून इज 1 degree 54 minutes। What is the diameter of Earth? अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो।
moon is at a distance of 3.84 into 10 power 8 meter from Earth. If viewed from two diametrically opposite points on Earth, the angle subtended at the moon is, मतलब ऐसा है, this is Earth for you, तो मैं Earth को स्पेरिकल दिखाने की कोशिश करता हूं. This is Earth for you, this is Earth, okay, then you have a moon, you have your moon over here, something like this. अभी मून को जब आप अर्थ से देख रहे हो, लेकिन अर्थ से कहां से देख रहे हो, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ऐसा आप देख रहे हो. यू आर लुकिंग एट द मून फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स फ्रॉम अर्थ. तो ये जो एंगल बना है, ओके, एट द मून, दिस इज 1 degree 54 minutes. What is diameter of the earth? So in this case, what is the diameter? ये पूछा है. So what is diameter? How do you find a diameter? You are supposed to find out diameter of earth. So you are supposed to find out this distance d. Let us say this is r. Let us say this angle is theta. थीटा, तो गिवन क्वांटिटीज में आपको थीटा दिया है 1 degree 54 minutes, 1 degree 54 minutes. आर ये मून से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस है, आर दैट इज 3.84 into 10 power 8 meter. यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ. वी नो दैट, हमको वैसे पता ही है क्या है, 6400 किलोमीटर इज रेडियस ऑफ अर्थ. 6400 का डबल कर लोगे तो 128, 12800 किलोमीटर इज डायमीटर ऑफ अर्थ. तो 12800 किलोमीटर के आसपास आंसर मिलना चाहिए, और ये बेसिक चीज है. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो दिस. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, डायमीटर 6400 का डबल 12800. तो जब आप कैलकुलेशन करोगे उतना आंसर मिलना चाहिए, नियर अबाउट चलेगा. ओके, तो फॉर्मूला अभी हम कम से कम पिछले 3 lecture से एक ही चीज बताए जा रहे हैं, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन, या फिर हम बोल रहे हैं आर्क लेंथ डी इज डिस्टेंस इनटू थीटा, बार बार वही बोलते जा रहे हैं. तो वही तो करना है, व्हाट एल्स यू आर सपोज्ड टू डू, नथिंग. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, थीटा ना डिग्री में चलेगा, थीटा ना आर्क मिनट में चलेगा, रेडियन में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए. एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, नॉट डिग्रीज, नॉट आर्क मिनट, नॉट आर्क सेकेंड, इन रेडियन. तो थीटा को सबसे पहले आप 1 degree 54 minutes से कन्वर्ट करो. 1 degree 54 minutes, 1 degree में 60 मिनट होते हैं, तो पता है ना, 1 degree में 60 मिनट होते हैं, राइट. तो इसमें 60 मिनट और ये 54 मिनट अलग से कितना हो गया, 60 मिनट्स प्लस 54 मिनट्स कितने, 114 मिनट्स. तो ये पता होना चाहिए, 1 degree में 60 मिनट, हमारे पास एंगल कितना है, 1 degree 54 minute. मतलब टोटल कितने मिनट्स हो गए हमारे पास, 1 degree में 60 और 54 तो अलग से लिखा ही है हमने, तो 60 plus 54 कितने मिनट्स हो गए, 114. हर एक मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको याद है अभी मैंने आज ही बताया था दैट वन मिनट इज 2.91 into 10 power -4 रेडियन. मैं लिख देता हूँ, रीजन लिख देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए. सबसे पहले 1 degree is equal to 60 minutes, ये किया.
और ऑलरेडी 54 था ही, तो 60 प्लस 54 114। जैसे एक डिग्री में 60 मिनट, दो डिग्री में 120 मिनट, तीन डिग्री में 180 मिनट, तो ऑब्वियसली वन डिग्री 54 मिनट्स विल बी बिटवीन 60 एंड 120, तो 114 आया। दिस इज वन मोर वे ऑफ कंफर्मिंग कि हमारा आंसर गलत नहीं है, राइट। तो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फिर हमने डिग्री से रेडियन में किया, सिंस सॉरी मिनट से रेडियंस में किया, सिंस वन आर्क मिनट इज 2.91 इंटू 10^-4 रेडियंस, तो हमने मिनट्स से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो थीटा हमको मिल जाएगा 3.317 इंटू 10^-2 रेडियंस। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 114 को 2.91 से और पावर्स एडजस्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा, ओके। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक स्टेप बढ़ा लेंगे हम लोग, ऐसा कर लेंगे 331.7 और यहाँ पर 10^-4 कर लेंगे। फिर हम बोलेंगे ठीक है, थीटा इज 3.317 इंटू 10^-2, नहीं भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कीप इट एज इट इज, क्या ही फर्क पड़ता है। देयरफॉर डिस्टेंस, देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ इज आर इंटू थीटा, आर कितना 3.84 इंटू 10^8, थीटा कितना 331.7 इंटू 10^-4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.274 इंटू 10^7 मीटर, कितना 1.274 इंटू 10^7, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 1274 इंटू 10^-3, ये डेसिमल हटा लिया, 10^-3 कर लिया, इंटू 10^7 मीटर, मतलब इसको लिख सकता हूँ क्या 1274 इंटू 10^4 मीटर लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 1274 इस 10^4 में से एक जीरो अलग कर दिया तो बचा 10^3 मीटर, तो 10^3 मीटर मतलब कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 12740 किलोमीटर, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, 12800 के आसपास आना चाहिए, आ गया 12740, ओके एक्सेप्टेबल, सो योर आंसर इज वेल विद इन एक्सेप्टेंस। तो क्या ही किया है हमने, कुछ नहीं, हम लोग आई मीन ऑब्वियसली पिछले एग्जाम्पल में या इस एग्जाम्पल में व्हाट वी हैव डन, नथिंग, हम पिछले तीन लेक्चर से एक ही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। आर्क लेंथ इज आर इंटू थीटा, आर्क लेंथ इज आर इंटू थीटा, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी क्या अलग किया था, वही किया था, सिर्फ यहाँ पे AU और लाइट ईयर था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एंगल हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट्स था, पहले डिग्री से मिनट में लाए, फिर मिनट से रेडियन में लाए, फिर वो यूज किया उसी फॉर्मूला में, एंड योर आंसर गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ओके। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, तो आज मैं एक नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस इफ एनी। अब पिछले तीन लेक्चर से हम सिर्फ मेजरमेंट ऑफ लेंथ की ही बात किए जा रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस, पैरेलेक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, पैरेलेक्स मेथड टू मेजर रेडियस और डायमीटर ऑफ प्लैनेट, जैसे अभी किया अभी डायमीटर ऑफ प्लैनेट ही मेजर किया यहाँ पे, पैरेलेक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, हम अभी तक वही करते जा रहे हैं, सिर्फ एक बीच में मैंने मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके किया था, दैट वी हैव डन। अभी फिजिक्स में क्या, सिर्फ हम लेंथ ही मेजर करते रहेंगे, हमको मास भी मेजर करना है, हमको टाइम भी मेजर करना है, और मैंने बताया था हिस्टोरिकली लेंथ मास और टाइम ही फंडामेंटल लिए जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट था, ओके। तो इन वन ऑफ द लेक्चर्स मैंने बताया है कि लेंथ मास और टाइम का मेजरमेंट हमारे लिए क्यों इसेंशियल है, मैं वापस एक बार बता देता हूँ, लेंथ का मेजरमेंट क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली आपको दो पॉइंट का डिस्टेंस, हिस्टोरिकली जब वी वर नॉट डेवलप्ड, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जब हम स्टोन एजेस में थे, राइट, वी वर लाइक यू नो
गोइंग बैक इन टाइम स्टोन एज में जब हम थे उससे पहले जो भी था वी वर नॉट डेवलप्ड वी डिड नॉट हैव दैट डेवलप्ड ब्रेन नहीं था इतना डेवलप्ड ब्रेन नहीं था हमारे पास तो फिर क्या करेंगे जिंदा तो रहना ही है ना तो डिस्टेंसेस तो पता होना चाहिए वो दूर एक शेर दिख रहा है अरे पता होना चाहिए कितना दूर है भागो नहीं तो पास में आ जाएगा आपके सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइटली तो डेफिनेटली डिस्टेंस मेजरमेंट पता होना चाहिए क्यों क्योंकि ऑफकोर्स ह्यूमंस यूज टू गो फॉर हंटिंग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना है तो पता होना चाहिए ना कितना दूर है कितना टाइम लगेगा सनसेट से पहले आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे तो सर्वाइवल के लिए डिस्टेंस लेंथ मेजरमेंट जरूरी था एसेंशियल था ओके देन मास मेजरमेंट भी जरूरी था आई हैव गिवन यू वन फनी एग्जाम्पल एक जंगली जानवर खड़ा है आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है एंड यू सी अ हैवी स्टोन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू सी अ लीफलेट तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि मास डिफरेंस है स्टोन हैवी है स्टोन को फेंक के मारूंगा तो उसको लगेगा पत्ते को फेंक के मारूंगा तो पहले तो पहुंचेगा नहीं एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो ये भी जरूरी था जस्ट एन एग्जाम्पल टाइम डेफिनेटली टाइम की जरूरत थी ही हमको दिन कब होगा रात कब होगा बारिश कब होगी राइट इन सब के लिए जरूरत था तो हम नॉर्मली टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स सिर्फ हम बेसिक जो क्वांटिटीज है लेंथ मास एंड टाइम उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं उतना ही देखने वाले हैं तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास मेजरमेंट ऑफ मास अब ऐसा है कि जो आप 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बार बार बोलते हो है ना तो ऑब्वियसली 1 किलोग्राम कितना पहले तो कुछ स्टैंडर्ड बनाया होगा ना मैं बोल दूंगा मेरा मोबाइल फोन है इसका जो भी मास है उसको 1 किलोग्राम बोलेंगे आज से मान लेंगे कि हम लोग नहीं मान सकते आप मैंने बोल दिया कि मेरे पास मेरे घर में एक बॉल है ना लेजर का बॉल है वो आप क्रिकेट में खेलते हैं उसको आज से 1 किलोग्राम मान लेंगे यू कैन नॉट से ब्लंटली एनीथिंग कि ये 1 किलोग्राम तो हर एक स्टैंडर्ड डिफाइन करने के पीछे कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली तो 19th ऑफ मई 2019 तब तक मतलब 19th मई 2019 तक राइट फ्रॉम 1889 से लेके तो 19th मई 2019 लॉन्ग पीरियड इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड रफली 130 साल का पीरियड है ये तो 130 साल के पीरियड तक हमने 1 kg कैसे डिफाइन किया था हमने एक प्लैटिनम इरिडियम का एक अलॉय बनाया मतलब मिक्सिंग दीज टू मटेरियल एंड यू गेट समथिंग तो इसका एक ब्लॉक बनाया हमने वी मेड अ ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय ओके राइट तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक बना के हमने इसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स करके एक प्लेस है इन यूरोप वहां पे हमने इसको रख दिया हमने इसके डुप्लीकेट्स बना के हर एक कंट्री में भेज दिए हमने बोला कि इसका जितना मास उसको 1 kg बोलना राइट तो अ किलोग्राम वाज द मास ऑफ अ शाइनी पीस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय ओके केप्ट अंडर आइसोलेशन मतलब ये जो ब्लॉक है इसके आगे पीछे ऊपर नीचे धूल मिट्टी नहीं चलती इट इज केप्ट इन आइसोलेशन ओके क्यों क्योंकि अगर ये धूल मिट्टी को एब्जॉर्ब करने लग गया एक्यूमुलेट करने लग गया इसके सरफेस पे धूल आके बैठ गया तो इवन द धूल मिट्टी इज वेरी लाइट इन वेट नहीं चलेगा ना उसका मास बहुत कम है नहीं चलेगा तो ऐसा एक मटेरियल चाहिए था विच डज नॉट एक्यूमुलेट डस्ट या फिर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी इसके मास में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए फिर इस ब्लॉक के डुप्लीकेट्स बना के हम बोलते हैं वो सब्जी लेने जाते होंगे तो वो 1 kg ऐसा रखते हैं वो किसने बोला वो 1 kg ये
ये स्टैंडर्ड बनाया उस इसका जितना मास उतने दूसरे मास बना दिए 1 kg, डुप्लीकेट्स कर दिए, मतलब डुप्लीकेट कर दिए 1 kg। प्रॉब्लम क्या हो गया कि एज आई टोल्ड यू इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल का मास कुछ भी हो, बहुत कम हो, 10^-3 ग्राम हो, पर चेंज तो हो गया। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं दे आर नॉट सपोज टू चेंज इवन स्लाइटली, नहीं हो सकता, नहीं होने देना है, लेकिन हो गया। फिर 20th of May को 1 kg का डेफिनेशन ही बदल दिया आप, राइट। तो 20th of May 2019 को डेफिनेशन चेंज कर दिया। अब क्या डेफिनेशन किया है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट। तो व्हाट दे डिड वाज, एक वेइंग पैन लिया है, और ये जो वेइंग पैन है ये कोई नॉर्मल पैन नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए नॉर्मल पैन बता रहा हूँ। ये नॉर्मल वो जो आप देखते हो ना स्टोर्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, वो नॉर्मल पैन नहीं है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ये इज हाईली सोफिस्टिकेटेड, ओके। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एक वेइंग पैन ले लिया, तो यू हैव अ वेइंग पैन, और वेइंग पैन के एक साइड में इसको रख दिया, ओके। और इस वेइंग पैन पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स देखे होंगे, वो ब्लैक कलर के पत्थर लाते हो चिपक जाते हैं, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमारे पास एक वाइंडिंग है जिसमें से आप करंट पास करोगे तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये आप सीखोगे, 11 में भी सीखोगे, 12 में भी सीखोगे, तो आगे आएगा। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड हाउ डू यू मेजर मास, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे हम लोग। तो जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट पास करोगे तो इट बिकम्स मैग्नेटिक इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्पररी मैग्नेटिज्म, ये जो सेकेंड साइड है जो ऊपर है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिज्म क्या होगा, ये सेकेंड साइड बैलेंस होने लगेगा। जैसे मैंने करंट बढ़ाया, थोड़ा नीचे आया, और करंट बढ़ाया और नीचे आया, और करंट बढ़ाया और नीचे आया, और करंट बढ़ाया और नीचे आया, और एक पर्टिकुलर गिवन करंट के लिए ये हो गया बैलेंस। सो फॉर अ पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ करंट ये बैलेंस हो गए, तो बोथ ऑफ देम बैलेंस हो गए। तो जिस वैल्यू ऑफ करंट के लिए ये दोनों पैन्स बैलेंस हो गए, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस करंट की वैल्यू पे हमने 1 kg डिफाइन कर दिया। हम बोलते हैं 10 kg मास कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट विच हैज टू बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट so that it can balance or it can pull down one side of extremely sensitive balance to balance the other side in which platinum iridium mass is kept. थोड़ा सा heavy है, आपको इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ definition पता लग गया, that's it. तो मैं एक बार रिपीट करूंगा अब, और कल वापस रिपीट करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मैंने पहले हमने पहले ये जो प्लैटिनम इरिडियम जो ब्लॉक है हमारे पास, तो इनिशियली प्लैटिनम इरिडियम के इस ब्लॉक को हमने मान लिया था कि ये 1 kg है, इसके डुप्लीकेट बना दिए, पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर दिए, तो स्टैंडर्ड बन गया, इसका डुप्लीकेट बन गया 1 kg। वाई, बिकॉज ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं किसको 1 kg बोलूं, डायलेमा है, मैं इसको 1 kg बोलूं क्या, या फिर मैं मेरे फोन को 1 kg बोलूं, या फिर मेरे पास एक डब्बा है इसको 1 kg बोलूं, मैं किसको 1 kg बोलूं, तो देयर इज अ कंफ्यूजन। तो इंटरनेशनल कमिटीज होते हैं
इंटरनेशनल सोसाइटीज होते हैं, तो ये जो मेजरमेंट रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, टीम ऑफ साइंटिस्ट, दे सिट, दे डिसाइड, और डिसीजन कोई भी इसे रैंडमली नहीं होता। हाँ, मेरा फोन है ना, उसको 1 kg मान लो। जो भी आप सजेस्ट कर रहे हो उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग लगता है। तो प्लैटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक को 1 kg क्यों माना गया? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये जल्दी से डस्ट को चिपकने नहीं देता, क्योंकि डस्ट चिपकेगा तो फिर मास बढ़ते जाएगा, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, राइट राइट। तो इसको 1 kg एक सर्टन शेप का एक बना लिया, उसको 1 kg मान लिया, इसके डुप्लीकेट बना के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज 1 kg। बट विथ टाइम इट वॉज ऑब्जर्व कि कितना भी करो इस पर थोड़ा बहुत वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, और सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो भी चेंज हो रहा है इसके ऊपर। तो एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही थी, राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसे होना चाहिए अंडर एनी कंडीशन वो चेंज नहीं होना चाहिए, बट चेंज हो रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर हम बोलेंगे चलो अभी ये तो हमारे पास रेडी है ही, हम एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव वेट बैलेंस बना लेते हैं, ओके? उसमें से एक साइड में इसको रख देते हैं और ये दोनों वेट बैलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू कनेक्टेड है। मैं जैसे ही करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे होगा, तो मैग्नेटिज्म की वजह से ये जो दूसरा साइड है इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन। फिर मैंने करंट बढ़ा दिया और नीचे गया, फिर करंट बढ़ा दिया और नीचे गया, गया गया गया। करंट तब तक बढ़ाते गए जब तक दोनों के दोनों वेट बैलेंस सेम लेवल पे नहीं आ गए। तो फॉर अ सर्टन करंट दिस बोथ बैलेंसेस ईच अदर। तो अब हम मास को इन टर्म्स ऑफ करंट मेजर करने लग गए, ओके? तो अब बोलोगे आप, दस द किलोग्राम मास कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट दैट शुड बी पास थ्रू अ इलेक्ट्रोमैग्नेट सच दैट इट कैन पुल डाउन वन साइड ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस, ओके, टू बैलेंस द अदर साइड विच कंटेन्स स्टैंडर्ड प्लैटिनम इरिडियम किलोग्राम। This is how you define 1 kg. Okay. In reality, थोड़ा सा definition अलग है, लेकिन जो आपका textbook बता रहा है मुझे वैसा बताना पड़ेगा because I am forced to do that. Okay. So in any case, so in terms of amount of current you can measure this. Right. लेकिन ये 1 kg है, अभी atoms, molecules, इसका मास तो तुम 1 kg में मेजर नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मास ऑफ एन एटम, 1 oxygen एटम का कितना मास है ना, 1 electron का कितना मास, 1 proton का कितना मास, तो उसके लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करेंगे। दैट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप यू फॉर टुडे।